सभी स्टूडेंट्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। डेटा स्ट्रक्चर का हमारा लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम जानेंगे डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होती है और दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए शुरू करते हैं विथ लेक्चर नंबर 2। सबसे पहले जानना जरूरी है कि डेटा होते क्या है। तो जैसे इससे पहले लेक्चर में भी हमने देखा था, डेटा बेसिकली रॉ एंड अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट होते हैं। रॉ मतलब कच्चे, जिनका अपने आप में कोई मीनिंग नहीं होता है, और अनऑर्गेनाइज्ड मींस असंगठित, जो ऑर्गेनाइज्ड वे में रखे नहीं होते हैं। तो ऐसे तथ्य जो कच्चे हैं और असंगठित हैं, उनको हम डेटा बोलते हैं। डेटा को मीनिंगफुल बनाने के लिए उन्हें प्रोसेस करना बहुत जरूरी है। बिना प्रोसेस किए हुए हम डेटा को मीनिंगफुल डेटा में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए उनका प्रोसेसिंग, उनको संसाधित किया जाना जरूरी है। डेटा आर इंडिविजुअल यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन। यूनिट जो इंफॉर्मेशन की इंडिविजुअल यूनिट होती है, उसी को हम डेटा बोलते हैं। इनको रिप्रेजेंट, इनको दर्शाने का तरीका है वेरिएबल्स। जो वेरिएबल्स आपने मैथ्स सब्जेक्ट में भी देखे होंगे कि आप वेरिएबल एक्स लेते थे, वेरिएबल्स वाई लेते थे, वेरिएबल्स जेड लेते थे, तो ये सारे वेरिएबल्स हैं आपके डेटा को दर्शाने के तरीके। इन वेरिएबल्स की मदद से आप अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं, इन डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये डेटा इंटरप्रेट किए जा सकते हैं, मींस इनकी व्याख्या की जा सकती है। किसके द्वारा? या तो ह्यूमन के द्वारा, मतलब मानव के द्वारा, या मशीन के द्वारा, ताकि इनका कोई मीनिंग निकल सके। तो या तो हम इसका मीनिंग निकाल सकते हैं, या कोई मशीन जैसे कि कंप्यूटर है वो इसका मीनिंग निकाल सकती है। अदर देन दैट, इन दोनों के अलावा कोई भी इसका मीनिंग नहीं निकाल पाएगा और ये बिल्कुल मीनिंगलेस होते हैं। अपने आप में डेटा मीनिंगलेस होते हैं। तो ध्यान देने वाली बात है कि डेटा को प्रोसेस किए जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब डेटा में होता क्या है? डेटा एक्चुअली नंबर्स लिए हुए होते हैं, स्टेटमेंट, कोई स्टेटमेंट आपने लिखा उसको लिए हुए हो सकता है, एंड कोई कैरेक्टर। कैरेक्टर मींस जो आपके अल्फाबेट्स होते हैं, उनका यूज डेटा में किया जा सकता है, आइदर अल्फाबेट और आइदर नंबर। तो इन दोनों की मदद से आपके डेटा बनते हैं। तो डेटा बेसिकली क्या है? इंफॉर्मेशन की इंडिविजुअल यूनिट है। इनको वेरिएबल्स के द्वारा दर्शाया जाता है। इनको इनकी व्याख्या देने के लिए हम मानव या मशीन का यूज करते हैं, और ये हमेशा या तो नंबर लिए हुए होते हैं या कैरेक्टर लिए हुए होते हैं। अब हम इंफॉर्मेशन की तरफ बढ़ते हैं कि इंफॉर्मेशन क्या होती है। इंफॉर्मेशन बेसिकली कलेक्शन, ये संग्रह है मीनिंगफुल डेटा का। अगर डेटा मीनिंगफुल है, अगर उसको हमने मीनिंगफुल बना दिया, मीनिंग एक मीनिंग दे दिया हमने, तो वो क्या बन जाएगा? आपका इंफॉर्मेशन, वो आपकी एक इंफॉर्मेशन बन जाएगी। तो सिंपल वर्ड में बोले तो मीनिंगफुल डेटा ही आपका इंफॉर्मेशन है। इसको अगर आप कलेक्ट करके रख लें तो एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें मिल जाएगी। इंफॉर्मेशन को हम नॉलेज भी बोलते हैं, जिसको हम रीमॉडल या क्लासिफाई करके उसको यूटिलाइज या उसका यूज कर सकते हैं। तो इंफॉर्मेशन को हिंदी में ज्ञान बोलते हैं। इसको अगर हमें यूज करना है तो इसको हमें रीमॉडल और क्लासिफाई करना पड़ेगा। इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। लेट सपोज एक कॉलेज है, कॉलेज में बच्चों की कोई इंफॉर्मेशन है, रोल नंबर, नेम एंड क्लास, तो ये तीन चीजें हैं। ये तीन चीज आपके पास अवेलेबल है, तो इन तीन चीज को रीमॉडल और रीक्लासिफाई करके हम कोई दूसरी इंफॉर्मेशन, कोई दूसरा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अगर आपको पता लगाना है कि एक कॉलेज है, टेक्निकल कॉलेज, जहां पे एक ब्रांच है आईटी और जिसका ईयर है थर्ड, तो थर्ड ईयर में आईटी के टोटल कितने बच्चे हैं, तो इस इंफॉर्मेशन से हम
पता लगा सकते हैं कि आईटी में थर्ड ईयर में कितने बच्चे हैं। सिमिलरली आईटी थर्ड ईयर का टॉपर कौन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जितने भी बच्चे हैं उनको उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग हमें अरेंज करना पड़ेगा, और अरेंज करने के बाद जो सबसे टॉप में होगा उसको हम बता देंगे कि वो हमारा टॉपर है। तो इस तरीके से हम इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकते हैं और उनको रीमॉडल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि डेटा और इंफॉर्मेशन में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहला पॉइंट है, डेटा ऐसे वेरिएबल होते हैं जो यूज किए जाते हैं कोई आइडिया या कोई कंक्लूजन निकालने के लिए। किसी आइडिया या किसी कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए हम डेटा का यूज करते हैं। अगर वही डेटा मीनिंगफुल है तो उसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन। ठीक है, डेटा टेक्स्ट या न्यूमेरिक फॉर्म में होते हैं, मींस या तो वो कैरेक्टर हो सकते हैं ए टू जेड या वो नंबर हो सकते हैं 0 to 9। ठीक है, और इंफॉर्मेशन क्या है, उन्हीं डेटा का रिफाइंड फॉर्म इंफॉर्मेशन है। डेटा कभी भी इंफॉर्मेशन पे डिपेंड नहीं होते हैं, जबकि इंफॉर्मेशन हमेशा डेटा पे डिपेंडेंट होती है। कंप्यूटर वर्ल्ड में बात करें तो कंप्यूटर वर्ल्ड में डेटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका बिट्स या बाइट्स है। बिट्स क्या होता है, जो कंप्यूटर में किसी भी डेटा को आपको स्टोर कराना है तो कंप्यूटर में हमेशा जो आपका डेटा होता है वो 0 या 1 बाइनरी नंबर्स की फॉर्म में होता है। तो एक इंडिविजुअल बाइनरी नंबर को हम बोलते हैं बिट्स, और अगर 8 बिट्स को आप कंबाइन कर दें, अगर आपके पास 8 बिट्स एक साथ पड़ी हुई है तो उसको हम बोलते हैं बाइट। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो आपका डेटा होगा वो हमेशा बिट्स या बाइट्स में अवेलेबल होगा। जबकि इंफॉर्मेशन क्या होती है, इंफॉर्मेशन आपकी मीनिंगफुल यूनिट होती है। अगर उन्हीं डेटा को जो बिट्स और बाइट्स में अवेलेबल हैं उसको आप मीनिंगफुल फॉर्म में रख दें, लेट सपोज आपने एक वेरिएबल बनाया है ए, उसमें अगर आप कोई वैल्यू डालते हैं 2, तो ये क्या है, ये बिट्स की फॉर्म में आपके कंप्यूटर में स्टोर हो जाएगी। मगर इसी वेरिएबल को अगर आप इंफॉर्मेशन की फॉर्म में रखना चाहते हैं तो इसको आपको बताना पड़ेगा कि वेरिएबल ए एक्चुअल में है क्या, ये टाइम को डिनोट करता है या किसी नंबर को डिनोट करता है। नंबर मींस लेट सपोज आप एक प्रोग्राम लिख रहे हैं जिसमें सम ऑफ 2 नंबर्स की बात हो रही है, तो ए क्या एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है या ए किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये वेरिएबल ए किस यूज के लिए हम एक्चुअली डिफाइन कर रहे हैं। तो इसी मीनिंगफुल यूनिट को हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन। अब नेक्स्ट है डेटा को स्ट्रक्चर या संगठित करने के तरीके। इनको हम टेबल की फॉर्म में संगठित कर सकते हैं, इनको हम ग्राफ की फॉर्म में संगठित कर सकते हैं, इनको हम ट्री की फॉर्म में संगठित कर सकते हैं। ये अभी आप आने वाले फ्यूचर लेक्चर में देखेंगे कैसे हम टेबल की फॉर्म में, कैसे हम ग्राफ की फॉर्म में और कैसे हम किसी ट्री की फॉर्म में। ये डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर हैं जो हम फ्यूचर लेक्चर में पढ़ेंगे, अभी इन पे इतना फोकस देने की जरूरत नहीं है। सिंपल वर्ड में देखें तो टेबल क्या है, रो और कॉलम्स की फॉर्म में होती है, जहां पे मल्टीपल रोज होती हैं, मल्टीपल कॉलम्स होते हैं। ग्राफ क्या है, आपका एक क्लोज्ड एंटिटी होती है, जैसे आपका एक स्क्वायर है तो ये आपका क्या है, एक ग्राफ है जहां पे 4 कॉर्नर पे आपके डेटा पड़े हुए हैं। अगर ये क्लोज्ड एंटिटी ओपन एंडेड होती है, मींस इसके जो लास्ट के नोड हैं अगर वो ओपन खुले हुए होते हैं तो उसको हम ट्री बोलते हैं। तो जैसे एक मैंने यहाँ पे ट्री बनाया हुआ है जिसमें 5 एलिमेंट्स हैं, सबसे टॉप नोड ये है, देन लेवल 2 पे आपके 2 नोड हैं एंड लेवल 3 पे आपके 2 नोड हैं, तो यही है आपका ट्री। और इंफॉर्मेशन को स्ट्रक्चर करने के तरीके क्या है, किसी लैंग्वेज में हम उसको स्ट्रक्चर कर सकते हैं, जैसे हिंदी में हम उसको स्ट्रक्चर कर सकते हैं, इंग्लिश में स्ट्रक्चर कर सकते हैं। अगर कंप्यूटर वर्ड की बात करें तो कंप्यूटर वर्ड में हम उसे प्रोग्राम की फॉर्म में स्ट्रक्चर कर सकते हैं, किसी आइडिया की फॉर्म में स्ट्रक्चर कर सकते हैं, आइडिया का मतलब कोई एप्लीकेशन, या किसी थॉट की फॉर्म में हम उसे स्ट्रक्चर कर सकते हैं। ये सारे के सारे आपकी एप्लीकेशंस होती हैं जो कंप्यूटर वर्ड में आपको हेल्प करती हैं किसी फंक्शन को परफॉर्म करने में। जैसे सिंपल सी बात करें, अगर मैं ओला की बात करूँ, ओला एक एप्लीकेशन है जो आपकी टैक्सी बुकिंग में आपकी हेल्प कर सकती है। तो अल्टीमेटली ये क्या है, ये आपके डेटा से मिलके ही बना है, डेटा और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। तो ओला को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको डेटा का सहारा लेना पड़ेगा।
यही ओला क्या है? आपका एक आइडिया है, आपका एक थॉट है। तो कंप्यूटर वर्ड की बात, कंप्यूटर वर्ड में बात करें तो कोई भी एप्लीकेशन, चाहे वो मोबाइल एप्लीकेशन हो या विंडोज की एप्लीकेशन हो, वो आपका क्या है? एक इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। डेटा का अपने आप में कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता है, जबकि इंफॉर्मेशन अपने आप में स्पेसिफिक पर्पस लिए हुए होती है और ये हमेशा डेटा का यूज करते हुए बनाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। डेटा आपका लो लेवल नॉलेज होती है। लो लेवल मींस सबसे बेसिक लेवल पे आपका डेटा ही होता है। उसके ऊपर अगर हम जाएंगे तो नॉलेज हमें मिलेगी, ठीक है। तो यहां पे डेटा को प्रोसेस करने के बाद हम नॉलेज की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि डेटा हमें कभी भी डायरेक्टली हेल्प नहीं करता है फॉर मेकिंग एनी डिसीजन। किसी डिसीजन को लेने में डेटा हमारी हेल्प नहीं करता है, जबकि इंफॉर्मेशन डिसीजन मेकिंग में हमारी हेल्प करता है। तो ये डेटा और इंफॉर्मेशन में कुछ डिफरेंसेस हैं। इन डिफरेंसेस और भी हो सकते हैं, मैंने बहुत बेसिक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो डिफरेंसेस हैं वो यहाँ पे लिस्ट डाउन किए हुए हैं। तो आज हमने डेटा और इंफॉर्मेशन के बारे में कंप्लीट नॉलेज ली। आज का लेक्चर यहीं पर फिनिश करते हैं। अगर लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कीजिए ताकि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंच जाए। हमारे टेलीग्राम चैनल भी है, उस टेलीग्राम चैनल से जुड़ के आप इन वीडियो लेक्चर के नोट्स पा सकते हैं। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमारी जीमेल आईडी पे हमें मेल भेज सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। बाय।